बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज मैं आपको पूजा क्राफ्ट में जो लेडीज कैप बनती है उसका जो डिज़ाइन बनाया जाता है बेसिकली वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो बेसिकली ये एक दो सूती कपड़ा होता है जिसके ऊपर इसका डिज़ाइन को बनाया जाता है, पहले पेन के साथ, फिर उसको ऊपर ऊन के धागे के साथ सिलाई किया जाता है। तो आज आपको डिज़ाइन बनाने के बारे में बता दूं कि इसको डिज़ाइन बनाने में जो मेहनत लगती है, बज़ाहिर जब कैप तैयार होती है तो उस वक्त दिखता नहीं है कि इतनी मेहनत हुई होगी। तो अभी आपको मैं बारीकी में दिखाता हूँ कि 200 की कपड़े के ऊपर गिनती कैसे की जाती है। ये आपको एक एक धागा नज़र आ रहा है 200 की कपड़े का, ये खाने लगे होते हैं, इनको एक एक को गिनती करके इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। इससे डिज़ाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं, और इसको जब धागे के साथ, ऊन के धागे के साथ जब सिलाई किया जाता है उसके लिए 10 से 12 दिन लगते हैं, फिर जाके एक कैप तैयार होती है। और 12-15 दिनों का जो मुआवजा होता है वो तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार रुपये, इतनी मेहनत करने के बाद 2 से 2.5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं आप। तो बेसिकली ये घर में बैठ के हुंजा के लेडीज़ घर के अंदर घर के कामों से फारिग होने के बाद ये एक एक्स्ट्रा मेहनत का काम है। आज अगर हुंजा ने तरक्की की है या एजुकेटेड है तो इनमें इन माओं का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने दिन भर घर के कामकाज करने के बाद रात को या फारिग दिन के किसी वक्त में ये काम करके अपना रोज़गार का ज़रिया बनाते थे। तो इस काम को करने में तो बज़ाहिर देखने वाले को लगता है कि इसमें कोई मेहनत नहीं, क्योंकि तैयार होने के बाद इसमें कोई शक नहीं, हर देखने वाला यही कहता है, लेकिन बनाने वाले को मालूम होता है कि इसके अंदर कितनी मेहनत दरकार होती है। तो आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी मेहनत चाहिए होती है। ऊपर एक फूल बना है जो डिज़ाइन बहुत बज़ाहिर नज़र आता है कि बहुत आसानी से बना होगा, लेकिन अभी आपको नीचे बनते हुए दिखा रहा हूँ। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि एक एक धागे को गिनती करने के बाद नीचे पेन के साथ डिज़ाइन को निकाला जा रहा है।
तो दोस्तों जब मुकम्मल तैयार होता है तो उसका डिज़ाइन यूँ होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ये स्केप के ऊपर वाली साइड पे लगाने वाला है, इसको देसी ज़बान में खुटू बोलते हैं। और केप के नीचे की तरफ से जो सर के ऊपर पहनने के लिए बनाया जाता है, अभी मैं आपको ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको देसी ज़बान में खुटू बोलते हैं। खुटू का मतलब ये है कि ऊपर सर की तरफ जो आ जाता है उसको, और जो उसके इर्द गिर्द लगाया जाता है उसको तुतुर बोलते हैं। तो आपको अभी मैं दूसरे जो साइड पे इसके कैप का लगाया जाता है वो दिखाता हूँ। और दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था कि जो कैप के नीचे की तरफ से एक हिस्सा बनता है जिसको बनाने के लिए अभी स्टार्ट है, तो इसके ऊपर भी सेम लाइक उसकी तरह जैसे पहले दिखाया था आपको, इसी तरह ही इसको भी पेंसिल के साथ बनाया जाता है। पहले इसका डिज़ाइन निकाला जाता है। तो और दूसरा दो सूती का मतलब ये है कि ये कपड़ा बहुत बारीक होता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इसमें लाइन गलत होती है, तो फिर उसको जिस तरह अभी नीचे आपको नज़र आ रहा है रेड लाइन रेड पेंसिल के साथ उसकी करेक्शन की गई है, सेम लाइक एग्ज़ाम वाला काम है। तो अभी आपको बनते हुए दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि ये जो कैप के नीचे वाली साइड पे जो लगाया जाता है उसको ये इसी तरीके से बनाया जाता है। इसके साइडों के ऊपर एक एक लाइन लगाई जाती है और इसको ऊनी धागे के साथ दोबारा इसके बीच में अलग अलग कलर का ऊनी धागा सिला जाता है। पहले ये पेंसिल के साथ डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर इसको ऊनी धागे के साथ